हे फ्रेंड्स हेलो एन वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइलम पौरी फेरा मैं ट्राई करूँगी कि फाइलम पौरी फेरा को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाऊँ और जितने भी क्वेश्चंस इस फाइलम से पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फाइलम पोरीफेरा में इस्पॉन्जेस पाए जाते हैं इसीलिए मोस्टली नोन एज स्पॉन्जेस फाइलम को हम स्पॉन्जेस के फाइलम के नेम से भी जानते हैं ऑल आर एक्टिक एंड ससाइल मोस्टली मेरीन बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ज़्यादातर ये एक्वेटिक ससाइल मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं मोस्टली मैरीन ये क्वेश्चन आया हुआ है दे आर सॉलिट्री और कॉलोनियल ये सॉलिट्री भी रहते हैं और कॉलोनियल भी रहते हैं कोलोनियल मतलब कि कॉलोनी बनाकर जो रहते हैं उन्हें कोलोनियल कहते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप चाहें कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इंटायर बॉडी विथ पोर्स दैट इज़ न्यूमरस स्मॉल ऑस्टिया फॉर एंट्री एंड वन लार्ज ओपनिंग ऑस्क्यूलम फॉर एग्जिट ऑफ वाटर पूरी जो बॉडी होती है उन पर पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं जो वाटर की एंट्री के लिए होते हैं और एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिससे वाटर बाहर निकाला जाता है उस ओपनिंग का नेम है ऑस्क्यूलम सो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम कहाँ पाए जाते हैं सो ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम फाइलम पोरीफेरा में या फिर स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो लार्ज ओपनिंग पाई जाती है स्पॉन्जेज में उसका नेम क्या है ऑस्टिया या फिर ऑस्क्यूलम तो उसका नेम है ऑस्क्यूलम और ऑस्क्यूलम का वर्क क्या है सो एग्ज़िट ऑफ वाटर एंट्री ऑफ वाटर बोथ सो द आंसर इज एग्जिट ऑफ वाटर तो आपने देखा कि दो लाइन में से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए आप ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर हो उसे अच्छे से पढ़ा कीजिए दीज आर मोस्टली ए सीमेट्रिकल ये मोस्टली ए सीमेट्रिकल होते हैं ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका डिप्लोब्लास्टिक है बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्स पाई जाती हैं बॉडी वॉल में आउटर जो लेयर है वो पिनैकोडम से होती है और इनर जो होती है उसे कुएनोडम कहते हैं कुएनोडम में कॉलर सेल और कुएनोसाइट्स पाई जाती हैं ये फाइलम पॉरीफेरा और स्पॉन्जेस का स्पेशल फीचर है कॉलर सेल्स और कोिनोसाइट्स कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स किस फाइलम में पाई जाती हैं तो वो सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा में पाई जाती हैं बॉडी वॉल अ लार्ज सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील और पैरागेस्ट्रिक कैविटी विद स्मॉल होलो केनाल बॉडी वॉल में एक लार्ज सेंट्रल कैविटी पाई जाती है जिसका नेम है स्पॉन्जोसील उसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कह सकते हैं पोरीफेरा की जो कैविटी है उसका नेम क्या है उसका नेम है इस्पॉजोसील तो स्पॉन्जोसील इस में इस्पॉन्जो है तो वो तो आसानी समझ आ ही जाएगा पैरागैस्ट्रिक कैविटी यहाँ याद करने वाली चीज़ है केनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट इज़ यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्ज इस्पॉन्जेस का ये यूनिक फ़ीचर है केनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ़ वेस्ट केनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्पॉजस का यूनिक फीचर होता है ये यूनिक फ़ीचर क्यों है क्योंकि ये जो पाथवे है ये हेल्पफुल है फूड गैदरिंग में मतलब खाने को इकट्ठा करने में रेस्परेशन में और वेस्ट को रिमूव करने में हमने ऊपर पढ़ा था कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स कोनोसाइट्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ सील एंड किनाल। जो सील है उसकी लाइनिंग करती है क्या कोएनोसाइट्स। ये इसका वर्क हो गया न्यूट्रिशन इज हॉलोजॉइ डाइजेशन इज इंट्रा सेलर एंड अकर्स इन वैक्यूल ऑफ कोएनोसाइट। डाइजेशन इंट्रा सेलर होता है और कोनोसाइट्स के वैक्यूल्स में होता है ये जो इंट्रोडक्शन है ये हमें हर फाइलम में पढ़ना है न्यूट्रिशन डाइजेशन एक्सक्रीशन ये सभी फाइलम में आपको पढ़ने को मिलेगा इसलिए सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी को आपको अच्छे से याद करना है वरना जब हम सारे फाइलम पढ़ लेंगे तो वहाँ पर ये सब मिक्सअप होने लगेगा टाइनी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स और सीलिसस स्पिक्यूल्स और फाइन स्पॉन्जन फाइबर्स लोकेटेड इन मीजेंकाइम कैल्केरियस स्पिक्यूल्स सिलेसियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर जो होते हैं वो मीजन काम में लोकेटेड होते हैं क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि कैल्केरियस स्पिक्यूल्स और सिलिस स्पिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं तो वो स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज थ्रू बॉडी सर्फेस इनमें रेस्परेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है बॉडी सरफेस के थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूज़न के द्वारा रेस्परेशन और एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल इज अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होता है नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इन इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग फ्रैगमेंटेशन और गेम्यूल्स के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस और हर्माफ्रोडाइट फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड क्रॉस ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन जो स्पॉन्जेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और क्रॉस होता है ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से मतलब होता है कि जिनमें लार्वल स्टेज पाई जाती हैं जिनमें लार्वा पाया जाता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं और जो डायरेक्ट यंग वंस बनते हैं उनमें वो जिनमें लार्वा नहीं पाया जाता है उनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो यहाँ तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा फाइलम पोरीफेरा का अब हम नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा की जो क्लासेस हैं वो पढ़ेंगे क्लासेस मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखी हैं ओनली उनके एग्जांपल्स और क्लासेस के नेम्स देखे हैं क्योंकि वो इतना डिटेल में नहीं मैंने आपको लिखा है वो बहुत टफ़ हो जाएगा पढ़ना फाइलम पोरीफेरा में तीन क्लासेस पाई जाती हैं कैलकेरियस एग्जैक्ट और डैमो इन क्लासेस के नेम आप याद रखें अच्छी बात है ना याद हो तो एग्जांपल तो आप याद कर ही लेना ल्यूकोसोलेनिया और साइफ़ा साइफ़ा को साइकन भी कहते हैं ये दोनों कैलकेरियस क्लास के मेंबर हैं नेक्स्ट है एग्जैक्टनलीडा एग्जैक्टनलीडा में एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं नेक्स्ट है हाइलोनीमा जिसका नेम है ग्लास रोप स्पंज ये दोनों ही नेम आपको याद करने हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यूप्लेक्टेला को और क्या कहते हैं साइकन वीनस फ्लावर बास्केट, ग्लास रोप स्पंज बात स्पंज तो आपको पता होना चाहिए कि यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं नेक्स्ट क्लास है डेमो स्पोंजिया इसके एग्जाम्पल्स हैं यू स्पोंजिया यू स्पोंजिया को बात स्पंज कहते हैं नेक्स्ट है इस्पॉन्जिला इस्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं एंड नेक्स्ट इज क्लायोना क्लायोना को बोरिंग इस्पॉन्ज कहते हैं तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, वैसे तो हर फाइल में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं मैंने कुछ ही लिए हैं अगर आपको कहीं और किसी बुक में मिल जाए और तो वो आप पढ़ सकते हैं उन्हें याद कर सकते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट फिल्म पॉरीफेरा मैंने आपसे कहा था एक वीडियो में कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगी सो so मैंने कंप्लीट कर दिया है फिल्म पॉरीफेरा नेक्स्ट वीडियो में हम फलम सीलन ट्रेटा इस्टार्ट करेंगे आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू